नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो एक पाम रीडिंग होने वाली है दोस्तों, और काफ़ी टाइम से हो गया है जो है वीडियो नहीं आ पाई है, और शेड्यूल बिजी होने के कारण जो जितने भी रिक्वेस्टें आ रही हैं काफ़ी टाइम से पाम रीडिंग के ऊपर कि हमारा पाम रीड करिए, तो धीरे धीरे आपकी वीडियोज आएंगी। आप थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखें, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथ में आपको जो पामिस्टिक से नॉलेज होती है, जो आपकी परेशानियाँ होती हैं वो सॉल्व होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद होती है। तो अगर आप पाम रीड करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप फॉलो उसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, पूरा पाम यहाँ पर रीड करेंगे और इनकी जो पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हम पहले इस फिंगर्स से स्टार्ट करेंगे, फिंगर्स की लेंथ देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, और सबसे आखिर में जो है हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहले कलर लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर जो पिक देख रहे हैं क्लियर है, और हाथ जो है स्क्वायरिश बन रहा है, पूरा हाथ पूरा स्क्वायरिश है, लेकिन फिंगर्स की लेंथ छोटी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फिंगर्स की लेंथ जो है छोटी है, लेकिन हथेली की जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी है। थिकनेस अच्छी होने के कारण ऐसे जातक में स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है, और जितने भी जिससे भी जातक मिलता है काफ़ी गर्मजोशी से मिलता है। कह सकते हैं कि स्टेमिना ऐसे जातक में काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो फिंगर्स की लेंथ है वो छोटी है। छोटी होने के कारण ऐसे जातक थोड़ा सा जिद्दी होता है, अपने मतलब अपनी बात पहले रखता है, और थोड़े से जल्दबाजी में फैसले ऐसे लेने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में रहती है। और जल्दबाजी में फैसले लेने के कारण ऐसे जातक को लाइफ में कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी फितरत यहाँ पर देखी जाती है जिनकी फिंगर्स यहाँ पर लेंथ में छोटी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर एक्चुअल लेंथ देखते हैं फिंगर्स की क्या यहाँ बन रही है। आपने देख स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो बृहस्पति की फिंगर है और जो सूर्य की फिंगर है दोनों अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर तो मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। इनके अंदर कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो ऐसे जातक के जो भाग्योदय होने के चांस यहाँ पर रहते हैं, कह सकते हैं कि 32 के बाद ही रहते हैं, मतलब 32 के बाद ही भाग्योदय होने के चांस यहाँ पर देखे गए हैं काफ़ी जातक के। और काफ़ी हद तक यहाँ पर 42 भी यहाँ पर संभावनाएं बन जाती हैं इस जातक के भाग्य होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिनकी यहाँ पर जो फिंगर्स होती हैं जो ये वाली दोनों, ये दोनों इक्वल होती हैं। तो इनकी जो कह सकते हैं कि शनि की फिंगर है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो बना रहेगा, और अपने प्रोफेशन को लेकर कैरियर को लेकर स्ट्रगल यहाँ से जातक करता है। आपको देखने को मिलेगा कि जो फिंगर्स में गैप आपको हल्का हल्का यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हल्का हल्का आपको गैप यहाँ पर दिखेगा इस फिंगर में, इन फिंगर में। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि फिंगर्स की लेंथ छोटी थी, और ये तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसे जातक थोड़ा सा जिद्दी नेचर का होता है, मतलब अपनी बात को ज़्यादा रखने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में रहती है, और अपनी मनमर्जी करने की जातक में प्रवृत्ति ऐसे देखी जाती है। तो यहाँ पर शो हो रहा है, और आगे भी लाइनों से भी आपको दिखेगा। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बुध की फिंगर है यहाँ, इसमें काफ़ी बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। बुध की और सूर्य की फिंगर में गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऐसे जातक की कह सकते हैं कि ऐसे जातक डॉक्यूमेंटेशन में तो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता यहाँ पर कम होती है, और बौद्धिक क्षमता कम होने के कारण थोड़ा सा बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है जातक में। मतलब बोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होना ये अच्छी बात है, लेकिन कब क्या बोलना है ये थोड़े से गुण यहाँ पर कम देखे जाते हैं। यहाँ पर देखने को देखिए जो बुध की फिंगर आपको दिखेगी लेंथ में जो छोटी आपको दिखेगी, फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है अप्रॉक्स, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचना यह बताता है कि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, जातक की बोलने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ऐसे जातक, या फिर कड़वा बोल देते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम काफ़ी हद तक नुकसान ऐसे जातक को पहुंचता है, और रिलेशनशिप भी ख़राब ऐसे जातक का होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स की लेंथ छोटी है, तो जल्दबाजी में फैसले लेना, जल्दबाजी में बोलना, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, बौद्धिक क्षमता की बात करें तो अच्छी है, तो ऐसे जातक फाइल को संभालने, डॉक्यूमेंटेशन करने, ऑफिस वर्क में काफ़ी सक्षम होता है। तो ये गुण यहाँ पर देखे गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो है माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। सबसे अच्छा माउंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगा इनका बृहस्पति का माउंट है। बृहस्पति के माउंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उभार आपको देखने को मिलेगा, और उभार होने के कारण जो है ऐसे जातक की जो मैरिज लाइफ होती है काफ़ी अच्छी होती है। सामाजिक कार्य भी ऐसे जातक काफ़ी अच्छा करता है, समाज में जो है नाम सम्मान पाता है। और कुल मिला के अगर बृहस्पति अच्छा है तो वैवाहिक जीवन जो है अच्छा इनका होगा। और भी मेरे पास पिक्चर्स हैं, या एक इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके ऊपर मुझे साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोमिनेंट माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि शनि माउंट थोड़ा सा इनका वीक है, शनि के माउंट जो है थोड़ा सा इनका कमज़ोर है। शनि की ये कुछ उपाय कर सकती हैं, क्योंकि शनि ही जो है कर्मों का कह सकते हैं कि कर्मों के ग्रह हैं, और उसी से जो है इनकी भाग्य उदय होता है। भाग्य उदय होने में ये जो शनि है काफ़ी उच्च यहाँ पर रोल जो है अदा करते हैं। तो शनि इनका थोड़ा सा वीक है, आपको माउंट से भी दिख रहा होगा। शनि जो है थोड़ा सा कम स्पेस लिए हुए है और थोड़ा सा दबा हुआ आपको दिखेगा, तो इसलिए जो लाइफ में कैरियर को लेकर जो है स्ट्रगल रहेगा, पैसों को लेकर स्ट्रगल रहेगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रगल लाइफ में हमेशा यहाँ पर बना रहता है। सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य का माउंट जो है आपको अच्छा दिखेगा। इसके ऊपर एक खड़ी लाइन आपको दिखेगी जो यहाँ पर सूर्य के गुणों को बढ़ा देती है। सूर्य का माउंट एवरेज मानूंगा, काफ़ी अच्छा नहीं कहूँगा। एक सूर्य की लाइन यहाँ पर बन रही है जो बताती है कि 45 की एज के बाद कुछ इनके लाइफ में अच्छा होने के काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य की रेखा जो है ओल्ड एज में जाकर फ़ायदा देती है। अगर सूर्य की रेखा लंबी होती तो ये जल्दी फायदा देती, लेकिन ये जो 45 की एज के बाद ही बन रही है, तो 45 एज के बाद ही ये असर दिखाना अपना चालू करेगी। अगर मैं यहाँ पर बुध माउंट की बात करूँ, बुध की माउंट की यहाँ पर बात करें तो बुध का माउंट आपको दिखेगा ठीक है, एवरेज है, लेकिन इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। मैं इनको पूरा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनकी बुध की जो लाइन है, सॉरी बुध की फिंगर जो है काफ़ी अच्छी थी और फर्स्ट बैलेंस को क्रॉस कर रही थी, तो बौद्धिक क्षमता मैंने आपको कहा था कि अच्छी है, तो बिजनेस क्वालिटीज़ भी जातक में बढ़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पर खड़ी लाइनें काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो बताती है कि ऐसे जातक में बिजनेस की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, बिजनेस माइंडेड होता है। अगर अपना प्रोफेशन करे या किसी बिजनेस लाइन में जाए तो ऐसे जातक काफ़ी अच्छे फल अपने लिए पैदा कर सकता है। मैं तो कह सकता हूँ कि पैसा काफ़ी अच्छा अर्जित कर सकता है। और अगर शुक्र माउंट की बात करें तो शुक्र माउंट ठीक है, दबा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि शनि माउंट अगर दबा हुआ है, शनि माउंट थोड़ा सा दूषित है, तो शुक्र माउंट को अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और वो चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो इनका जो शुक्र माउंट है थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर में देखूँ तो इस पिक्चर में भी वही है कंडीशन यहाँ पर बन रही है, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आड़ी लाइनें दिखेंगी, तो चिंताएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं और आगे फ्यूचर में जो है होंगी। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं कि स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इनके यहाँ पर मुझे एक विदेशी योग यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसको विदेश योग बोलें या फिर एलर्जी की लाइन बोलें, मैं इसको एलर्जी की लाइन ही बोलूँगा, विदेश योग नहीं बोलूँगा। देखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर चंद्र माउंट पर, यहाँ पर इसको जो चंद्र माउंट बोलते हैं, आपको एक लाइन यहाँ पर जाती हुई दिखेगी, और ये जो है लाइफ लाइन से ऐड हो रही है, और ये जो है इस हिस्से को और इस हिस्से को बांट रही है। तो विदेश की लाइन मैं नहीं कह सकता इसको, अगर विदेश की योग बनते तो इतनी ज़्यादा डार्क लाइन ये नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है, किसी टाइप के शारीरिक एलर्जी या किसी टाइप का शारीरिक एलर्जी यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चंद्र माउंट ठीक है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यही साइन मुझे दिखा। विदेश की रेखा ये नहीं है, तो इसको विदेश रेखा ना माने, ये एलर्जी की लाइन है और किसी टाइप की यहाँ पर शारीरिक एलर्जी की यहाँ पर परेशानी इनको हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर लाइनों को चेक करेंगे, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले लाइफलाइन देखते हैं, लाइफलाइन क्या है यहाँ पर शो कर रही है। लाइफलाइन देखिए, यहाँ पर लाइफलाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी, और
कुछ ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं मैं कहूँगा इसको, और हल्की सी यहाँ पर अंदर की तरफ कर्व हो रही है, तो पारिवारिक सपोर्ट अच्छा है और कह सकते कि पारिवारिक इंसान होता है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ में प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, जैसे शुरू में ही आपको दिखे था, यहाँ देखिए इस लाइन में, इस पिक्चर में आपको कंप्लीट दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक यम का साइन बनता हुआ आपको दिखेगा इस क्षेत्र में, और काफ़ी ज़्यादा जो है राहु लाइनें हैं काट रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करती हैं राहु लाइनें, और काफ़ी लाइनें इनके हाथ में यहाँ पर हैं। देखिए ये जो लाइन यब का साइन बन रहा है, कम से कम कह सकते हैं कि 20 के पहले या 20 के बाद तक यहाँ पर यब का साइन प्रभाव इसके रहे हैं, और इनको कोई ना कोई समस्या इनको रही होगी, हेल्थ रिलेटेड इशू रहा होगा, या फिर बचपन में काफ़ी ऐसे जातक बीमार रहता है और परेशानियों से जूझता है, और वो उसके प्रभाव कोई ना कोई बीमारी छोड़ जाता है, और उसके प्रभाव 20 साल 22 साल तक भी रहते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ राहु लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं आपको यहाँ पर दिखेगा, राहु लाइनें काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी डिस्टर्ब करती हुई, और सभी राहु लाइनें जो है ये देखिए, एक और राहु लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा डार्क डीप है, ये जो राहु लाइन काफ़ी ज़्यादा परेशानी को कर सकती है, और ये जो लाइन यहाँ पर बन रही है कम से कम 30 के अराउंड यहाँ पर बन रही है। तो जैसे स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जिनका भाग्य होने उदय होने के जो चांसेस हैं वो लेट हैं, और उस एज तक काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनको रहेंगी, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो राहु लाइनें हैं मानसिक तनाव तो देती ही हैं, शारीरिक कष्ट भी देती हैं, पैसों में कमी भी लाती हैं, मतलब सभी तरह की यहाँ पर जो तकलीफें ऐसे राहु लाइनें परेशान करती हैं। तो कम से कम 30 से 32 तक इनको ये राहु लाइनें परेशान करती रहेंगी, उसके बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी। मतलब ये राहु लाइनें हेल्थ को भी परेशान करेंगी, शारीरिक कष्ट भी देंगी, मतलब सभी तरह के कष्ट यहाँ पर देंगी, और लेकिन 32 के बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी हो रही हैं, क्योंकि 32 के बाद कोई राहु लाइन में ऐड नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो है लाइफ को अगर प्रेडिक्ट करें तो लाइफ जो है लंबी है, जो छोटी नहीं कहूँगा इसको, मैं 70, 71, 72 तक जाने को कहूँगा जो लाइन यहाँ पर जाएगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 32-33 तक, 35 तक भी कह लें यहाँ तक राहु लाइनें काफ़ी या काट रही हैं, तो यहाँ पर दिखते होंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरी लाइन को देखते हैं, कैरी लाइन क्या बन रही है। कैरी लाइन कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी, कुछ ऐसी आपको दिखेगी यहाँ पर, जो चंद्र प्रवेश से स्टार्ट होती है, ये भी यहाँ पर ये दिखाती है कि दूसरे सपोर्ट की वजह से ऐसा जातक का भाग्य उदय होता है, दूसरों की सपोर्ट की वजह से ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है। यहाँ पर मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, इनका जो बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, बिजनेस लाइन में ऐसे जातक जाता है, तो ये कंप्लीट यहाँ पर शो हो रहा है, और भाग्य ठीक है, लेकिन कंडीशन जो है वही लागू हो जाती है कि शनि के जो क्षेत्र है काफ़ी दूषित है, या फिर कैसे वीक है, और ऐसे जातक के भाग्य उदय न होने के चांस 30 के बाद ही होंगे। सभी कंडीशन यहाँ पर शो हो रही हैं, राहु लाइनें, शनि पर्वत, और जो फिंगर्स की लेंथ दी, और जो कह सकते हैं कि जो कैरी लाइन भी है वो 32 के बाद ही प्रोमिनेंट होनी होती यहाँ पर दिख रही है। चलिए 32 के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, 32-35 के बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और अगर इनकी एज वहाँ तक पहुँच गई है तो आपको शो भी हो रहा होगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुँची है, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छी हो जाएंगी 30 के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है माइंड लाइन देखते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ऐसे जातक थोड़ा सा ज़िद्दी होगा और थोड़ा सा अपनी मर्जी चलाने वाला जातक होता है आपको दिखेगा। देखिए जो इनकी लाइफ लाइन है और इनकी जो माइंड लाइन है, ये काफ़ी अब गैप है बीच में, आपको दिखेगा यहाँ पर, ये भी शो करता है। ऐसे जातक अपने फैसले खुद लेता है और परिवार से थोड़ा सा जुड़ाव कम रहता है, परिवार से थोड़ा सा अलग रहने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में रहती है, और ऐसे जातक अपने निर्णय खुद लेता है, थोड़ा सा जिद्दी होता है, तो यहाँ पर शो हो रहा है। स्टार्टिंग में ही शो हो रहा था और लाइन से भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर माइंड लाइन की बात करें, माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई हमें दिक्कतें नहीं है, वही है जो राहु लाइन इनको दिक्कतें करेंगी, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो है हम हार्ट लाइन को चेक कर लेते हैं। हार्ट लाइन ऐसी बनती हुई शो हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पर लेटर एज में कुछ परेशानी इनको हार्ट रेट हो सकती है, लेकिन ये लेटर एज नहीं है, स्टार्टिंग की एज ही है। जो यहाँ पर यब का साइन आपको दिख रहा था 15 से 20 की एज में यहाँ पर यब का साइन यहाँ पर दिख रहा था, जो इनको कष्ट दिया होगा या फिर बीमारी दी होगी, तो यही यहाँ पर जो है हार्ट लाइन में भी स्टार्टिंग एज में दिख रहा है, और यही परेशानी हो सकती है।
और एक मनी ट्रायंगल अभी आपको बनता हुआ दिखेगा। मनी ट्रायंगल अच्छा है, धन की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी करता है, धन अच्छा रहता है। धन में अगर मनी ट्रायंगल हाथ में बन रहा है तो ये शो करता है कि जब ऐसा जातक चाहता है कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से पैसा इनके पास आ जाता है। देखिए मैं कैसे मनी ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक इनकी कैरी लाइन होगी, यहाँ पर इनकी माइंड लाइन होगी और एक हेल्थ लाइन जो है ऐसी लंबी यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ आपको दिखेगा जो पैसे की कमी को यहाँ पर दर्शाता है कि पैसे की कमी यहाँ पर कोई नहीं है और अभी नहीं है और बाद में भी नहीं होगी। कभी ना कभी पैसे इनके हाथ में रहेगा, टिकेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी ऐसे जातक अर्जित कर लेता है। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको ये? मतलब कुल मिला के इनके एज जो है 32 के बाद ही इनकी लाइफ अच्छी होती यहाँ पर दिख रही है। आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को ऐसी पामिस्ट्री से नॉलेज लेने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।